हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी सब ठीक हैं। और सुबह में उठ गई थी लेकिन आज टिफिन नहीं बनाई और नाश्ता भी उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही चले गए क्योंकि आज लेट हो गया था ना थोड़ा, तो मैं उठ के बनाती थी तो और ज्यादा लेट होता। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं ऑफिस में ही खा लूंगा और वो चले गए ऑफिस। और रूबेन डैनियल भी उठ चुके हैं, उनको भी नहला चुकी हूँ और मैं भी नहा चुकी। और उन्होंने और मैंने दोनों ने नाश्ता कर लिया। हम ब्रेड पकौड़ा मैंने बनाई थी तो वही हम लोग ने खाए हैं। और कल थोड़ा किचन सेटअप किया है, ये सारे डब्बे मैंने वॉश करके इसमें जो जो सामान रखना था सब रख के, दाल वगैरह मसाले वगैरह सब मैंने रख के इसे अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे रख दी हूँ। थोड़ा सा किचन को सेट कर दिया है, थोड़े बर्तन और यहाँ पे सब कुछ अभी सेट हो चुका है। बहुत दिनों से करना था, अभी हो चुका है, कल ही कर लिया है मैंने। तो मौसम आज अच्छा है, धूप वगैरह निकला है, आप देख सकते हैं कितनी कड़क धूप है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं तो उससे मैंने सुखा दी हूँ, थोड़े से आगे सुखाई हूँ आगे के गैलरी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरवी का पौधा कितना बड़ा हो चुका है दो दिन में। और यहाँ पे करेला का भी बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना इसको देख के। हाँ क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए फिर? स्पाइडरमैन का चाहिए? हाँ। क्यों, वो पसंद नहीं है? वो भी तो स्पाइडरमैन का ही है ना? नहीं है, है ना? इसमें स्पाइडरमैन आएगा ना? नहीं नहीं। अच्छा कहाँ पे जाना है? हॉल में। हाँ। अच्छा हॉल में कुछ लगाना है तो चले देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या लगाऊं? तो है ना इनको ये कार्टून नहीं देखना है, उनको स्पाइडरमैन का कार्टून देखना है, इसलिए वो मुझे बार बार बुला रहे हैं मम्मा ये नहीं देखना है हमको, स्पाइडरमैन देखना है। वही उनको मैं लगा के दे रही हूँ स्पाइडरमैन। एड क्या देखना है? स्पाइडरमैन का देखना है। तो यहाँ पे इनका स्पाइडरमैन कार्टून लगा दिया है। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और जो भी मेरा बर्तन है वो मैं वॉश कर रही हूँ। और कल मेरा पूरा दिन है ना किचन बेडरूम हॉल ये तीनों में गया, क्योंकि मैंने कल पूरा घर को साफ कर दी हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जाला हो गया था और फैन भी बहुत दिनों से साफ नहीं किया हुआ था इसलिए वही कर रही थी। तो सब करते करते ना शाम के 4 बज गए थे और उसके बाद फिर मैंने जो रात का खाना वगैरह होता है वो बनाया, क्योंकि कल मैं मुझे ना पूरे किचन के डब्बे वो सब घसना था और फिर मैंने घस के उसमें राशन वगैरह भर के रख दी। और लेडीज़ का है ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में ही जाता है, ना बेडरूम में ना हॉल में कहीं पे भी नहीं, लेकिन ज़्यादा टाइम किचन में ही रहना पड़ता है क्योंकि ज़्यादातर काम किचन में ही होता है। तो कल मैंने पूरा सब कुछ कर ली। यहाँ पे अभी अभी मेरे बर्तन घस के हो चुके हैं और मेरा किचन जो है बेसिन वगैरह सब क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं। जब मेरा किचन क्लीन होता है ना तभी मुझे खाना बनाने के लिए मन करता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ पहले पूरा किचन क्लीन कर लेती हूँ उसके बाद ही खाना बनाने के लिए लेती हूँ। तो अभी बनाना है लंच, तो चलिए करते हैं लंच की तैयारी। यहाँ पे ना रूबेन डैनियल बार बार गुलाब जामुन कर रहे थे, इसलिए उसके पापा ने ना उनके लिए रात में गुलाब जामुन लेके आए थे, तो लोग अभी उनको में है गुलाब जामुन और भी कुछ लाए थे स्वीट देखते। हाँ इसमें है बूंदी के लड्डू, यहाँ का ये बूंदी का लड्डू है और इसमें पता नहीं क्या है, देखते हैं। अभी उनको गुलाब जामुन दे देते। क्या चाहिए, क्या चाहिए? उसमें कुछ नहीं है, क्या चाहिए? कुछ चाहिए। ये क्या है, इसमें क्या है? गुलाब जामुन। हाँ। आपको पता है इसमें गुलाब जामुन है? तो यहाँ पे है गुलाब जामुन। अभी रूबेन डैनियल क्या खाने वाले हैं? गुलाब जामुन खाने वाले। देखो
बच्चे और मैं ही हूँ ना, तो एक ग्लास राइस हमको बहुत हो जाएगा, इसलिए मैं बना रही हूँ अभी एक ही ग्लास राइस। और है ना, यहाँ पे मैंने राजमा भी बॉईल करके रख दी थी, देख सकते हैं राजमा भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, क्योंकि रात में भिगो दी थी ना, तो दो तीन सीटी लेके यहाँ पे राजमा भी अच्छे से हो चुका है, पक चुका है, बस इसे अभी तड़का लगाना है। तो ये सब राजमा में मैं डालने वाली हूँ, कांदा, मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटो। तो ये मैं सब निकालनी हूँ, अभी करते हैं इसकी कटिंग। और ये मिर्ची, लहसुन, अदरक और टमाटे को एक साथ पीसेंगे और कांदे को बारीक चॉप कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो हम अभी ऐड करेंगे जीरा। जीरे को अच्छे से फ्राई कर लेना है, तो यहाँ पे तेल अच्छा गर्म है तो जीरा भी तड़क रहा है। और यहाँ पे फिर ऐड करेंगे कांदा। कांदे को अच्छे से ब्राउन होने तक हमें पकाना है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और इसका पानी पूरा सूखने तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पे ना कांदा अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तो हमने जो प्यूरी बना के रखे थे ना टमाटे का, तो उसे ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से पकाना है तेल छूटने तक। जितना आप मसाले को अच्छे से पकाएंगे उतना अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने ऐड करी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और फिर इसे ढककर हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं टमाटे अच्छे से गल चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो यहाँ पे मैंने ली हूँ 1 चम्मच लाल मसाले का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से तेल में मिक्स हो चुके हैं। तो अभी स्टेज पे ऐड करेंगे राजमा जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ, और फिर इसे भी ढककर हम 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक इसमें बॉईल ना है। तो यहाँ पे बॉईल आ चुका है, तो हम ऐड करेंगे हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राजमा बहुत ही अच्छा सा बन के रेडी हो चुका है और ये आप खाने के लिए रेडी है। तो है ना, अभी दोनों सो रहे हैं, रूबेन डैनियल को मैंने सुला दी हूँ क्योंकि अभी बज गए हैं 1, तो 1 बजे उनका डेली का टाइम है, 1 बजे वो सो ही जाते हैं। तो 12 बजे मैं उनको खिला देती हूँ खाना, और जो राजमा चावल मैंने बनाई थी वो उनको खिला दी हूँ, और अभी दोनों सो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे दोनों ऐसे सो रहे हैं चद्दर ओढ़ के, और यहाँ पे मैंने उनके लिए कूलर भी लगा दी हूँ क्योंकि थोड़ी गर्मी भी होती है ना, तो इसलिए कूलर लगाई। तो दोनों सो रहे हैं ना, तो अभी मैं करूँगी लंच, क्योंकि मैं उनको सुलाने के बाद ही मैं लंच करती हूँ। तो यहीं पे करती हूँ ये वाले वीडियो का एंड। आई होप गाइज मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।